14 प्रो 1 TB बुक हो चुका था, कल फोन आया था कि बुक हो गया है, आ चुका है, रिसीव हो गया। हेड्स आया तो ये, टेल्स आया तो ये, डन। तीन बारी करते हैं शुरू, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज फ्राइडे एंड आज अपना लकली डे ऑफ है। सो एक दो काम करने हैं, पहले तो ये लॉन्ड्री उठानी है इतनी सारी, ये लॉन्ड्री करानी है आज, मतलब लॉन्ड्री पे देनी है, ड्रॉप करनी है, सो कल तक में भी मिलेगी। सो अभी पहले लॉन्ड्री ड्रॉप ऑफ करते हैं, इसके बाद आज अप्पा जाएंगे पहले सरी सेंट्रल में भी, आज अपना फ़ोन भी पिकअप हो जाए। 14 Pro 1 TB बुक हो चुका था, कल फ़ोन आया था कि बुक हो गया है, आ चुका है, रिसीव हो गया है, सो आ जाओ। बट एक दिक्कत है उसमें अकाउंट होल्डर के नाम की, वो वहाँ जाके देखते हैं, अगर उसके बिना काम सर जाता है तो मे बी आज अपना 14 Pro भी आ जाए। सो चलते हैं अभी के लिए, लेट्स गो। ओके सो लॉन्ड्री मार्ट से फ्री हो गए हैं एंड अब जा रहे हैं हम गिलफोर्ड। ओके सो फोन कनेक्ट हो गया था इसीलिए वीडियो कट हो गई थी। सो अब मैं कह रहा था कि हम जा रहे हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड है यहाँ पे सरी में मॉल, कनाडा सरी में मॉल, और यहाँ पे वहाँ पे अपना रोजर्स मेरा सिम नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है। सो उनके थ्रू मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था क्योंकि एप्पल पे हो नहीं रहा था, बहुत लंबी टाइम लग रहा था एंड हो नहीं रहा था, मेरा अप्रूव नहीं हो रहा था, दिक्कत आ रही थी कोई। सो रोजर्स पे आ गया है तो अब हम पहले जाते हैं वहाँ पे उनके स्टोर में, जाते हैं बात करते हैं, देखते हैं मे बी मिल जाए, क्योंकि जो अकाउंट है वो अकाउंट मेरे नाम पे नहीं है, मेरा जो अकाउंट है वो, मतलब क्योंकि ऐसे एक्सटेंडेड लाइंस होती हैं, सो मैंने एक एक्सटेंडेड लाइन किसी के नाम पे करवाई हुई अपने अंडर एक, उस वजह से उसका होना भी ज़रूरी है ताकि मैं फ़ोन पिक कर सकूँ। एंड वो जिनका है वो है साहिल भैया, वो है इंडिया, एंड वो इंडिया है इसलिए उन्होंने, मैंने उनको मैंने बोला कि मेरे को उन, वो जिनका नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो इंडिया है। सो वो कह रहे हैं हम 3 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, अगर तुम 3 दिन के अंदर आ सकते हो तो हम तुम्हारे लिए फ़ोन रिजर्व कर देंगे, वरना टाटा बाय बाय, दोबारा करना रिजर्व। सो अब देखते हैं, दोबारा रिजर्व कर लेंगे, वरना एक बार ही जाते हैं, मैंने सोचा एक बार बात करके आते हैं, मे भी क्या पता मिल जाए, यू नेवर नो, क्या पता मेरी आईडी देख के कहेंगे ओके चलो ले जाओ या जो कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट जाके तो ट्राई करना तो बनता ही है। गिलफोर्ड मॉल पहुंच चुके हैं, सामने बस पार्किंग ढूंढ रहे हैं अब, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, रुक जाया करो भाई, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे रूल है, लो है, और अच्छी बात भी है, इंसानियत दिखती है। चलो लेट्स गो इनसाइड, पार्क करते हैं गाड़ी। ओके सो गाड़ी की पार्किंग मिल गई है एंड वो रहा मॉल के एंट्रेंस, मतलब उस साइड से मैं जाना प्रेफर करता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ पे शायद आस पास H&M है और अपनी औकात के हिसाब से वहीं गए हैं आज तक। सो देखते हैं किधर है, लेट्स सी रोजर्स कहाँ पे है, एंटर कर लिया, देखते हैं रोजर्स कैंट, पूछना पड़ेगा भाई से। यू नो वेयर इज रोजर्स? रोजर्स डाउनस्टेयर्स, थैंक यू डाउनस्टेयर्स। पता नहीं मेरे को भी लग रहा है इसने झूठ बताया क्योंकि दूसरी कंपनी वाला था मेरे को, इसने ऐसी गंदी नजरों से झूठ बताया, 2 मिनट सोच के किया, रोजर्स नीचे, लेट्स सी। ओके सो ये फ्रीडम मोबाइल है एंड फ्रीडम मोबाइल के यूजुअली प्लान्स बहुत सस्ते होते हैं, सो मैंने कहा चलो एक बार पूछ लेते हैं, बट 14 प्रो आना है दिसंबर में, इतना वेट नहीं कर सकते हम भाई, 3 मंथ्स पूरा पीछे रहेंगे यूट्यूबर्स, तो भाई बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, सो थोड़ा सा तो आगे चलना पड़ेगा ना, तो थोड़ी तो जल्दी लेना पड़ेगा, दिसंबर तो बहुत लेट है, रोजर्स देखते हैं किधर मिलता है, लेट्स गो। देखा मैंने कहा था ना, वो झूठ बोल रहा था, डाउनस्टेयर्स उसने भेजा पर है अपस्टेयर्स, दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा, लेट्स गो। आई सी यू बेबी, आई सी यू रोजर्स, रोजर्स को बोल रहा हूँ और किसी को नहीं बोल रहा, रोजर्स रोजर्स, लेट्स गो, देखते हैं क्या मतलब भाई आज, प्लीज यार मिल जाए यार, मजा आ जाएगा आई होप, लेट्स गो। तो मैं कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं करने वाला, देखते हैं क्या बनता है, बट मैंने बुक कराया हुआ तुम्हारी कसम, मेरी खुद की कसम, यूट्यूब की कसम, लेट्स सी भाई। जी अपना होने वाला था आज, ये मैक्स है बट अपना प्रो होने वाला था, बहुत बड़ा साइज है इसका, इस साइज में डीप पर्पल ही लिया था, रह गया बट दोबारा आना पड़ेगा, देखते हैं अकाउंट चेंज करवा के या फिर किसी और तरीके से, लेट्स गो चलते हैं। तो भाई 14 प्रो हाथ में आके निकल गया, बुक हो गया था, आ भी गया था, बट जो भैया हैं वो अभी इंडिया हैं, सो अपने हाथ में नहीं आ पाया, मतलब ऑलमोस्ट हाथ में आ गया था, एंड अब वो बुकिंग जो है वो रिलीज़ कर देंगे, 3 दिन तक मेरे लिए रिजर्व था वो, तो अब वो अपना रहा नहीं, तो किसी और किस्मत वाले को मिल जाएगा। सो
चलो कोई बात नहीं, दोबारा बुक कराना पड़ेगा, दोबारा फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और फिर दोबारा आएगा। सो लेट्स गो, चलते हैं अभी के लिए। सब चलते हैं अभी शॉपिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं अभी कुछ खर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स गो। सिद्धू के डिज़ाइन बन रहे हैं, सिद्धू के कस्टमाइज दुकान, अपने हिसाब से डिज़ाइन बनवा सकते हैं। नाइस, कूल कपड़े, काफ़ी कूल। ओके सो भाई, मैं सोच रहा हूँ वो पैसा खर्चने का मन तो है ही, पैसा कुछ कहीं ना कहीं खर्चना, तो बैग ले लेते हैं, बैग की ज़रूरत है, बैग काफ़ी फटा हुआ है। सो देखते हैं कहीं बैग वगैरह मिलता है तो बैग देखते हैं यार, काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं, कहीं ढंग का बैग नहीं मिल रहा। लेट्स होप कोई अच्छा बैग मिले। अभी एक पीछे देख के हमें $63 का प्लेन ब्लैक बैग, लेदर टाइप, बट ब्लैक से ही है, सिर्फ प्लेन से है, तो मैं कहा थोड़ा सा अलग कलर होए। लेट्स सी, वरना मैं भी वही ले लेंगे। लेट्स गो। वो बैग्स दिख रहे हैं जो हर्षल के बैग दिख रहे हैं ब्रो। लेट्स सी, बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट वाले बड़े महंगे होते हैं यार। लेट्स गो, एटलीस्ट बड़े ऑप्शन तो मिले बैग के, वहाँ तो एक ही ब्लैक बैग पड़ा था बस यार। इस कलर में बैग मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। बैग अच्छा है बट प्लेन ब्लैक ही है। तो उन्होंने बोला कि नीचे इनका एक स्टोर है जिसमें और कलर के बैग्स भी पड़े हैं, ब्लैक कलर का भी बड़ा एंड और भी कलर के बड़े हैं। तो देखते हैं मे भी क्या पता वो पसंद आ जाए। लेट्स गो। चलो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं ब्रो अलग अलग कलर के, लेट्स सी कौन सा पसंद आता है। यहाँ पे देखो बैग के डिज़ाइन चेक करो। चलो कुछ फंकी सा देखते हैं मे भी, प्लेन लेना है, प्लेन पहले भी ग्रे था, मे भी कुछ फंकी देखते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ नाइस, ना ज़्यादा फंकी ना ज़्यादा सिंपल। लेट्स सी, और कलर जो दिख रहे हैं बड़ी ज़्यादा बच्चों वाले लग रहे हैं यार, दूर से भी थोड़े से सही लग रहे थे, बड़े तो बड़े बच्चे वाले हैं। और ये ब्रांड भी दूसरी है जो ये पड़े हैं, बट हर्शल्स के इन्होंने भी बताया कि कोई वारंटी वगैरह वाला सीन है कि अगर गुम हो जाए, टूट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए तो मैं नया बैग फ्री दे देती है वापस हर्शल्स। तो एक और ऑप्शन मिल गया, मतलब कि हाँ अब ले सकते हैं, देखते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पसंद वाला पसंद नहीं आया, इस कलर में बैग चाहिए यार। लेट्स सी कुछ तो मिलेगा, वरना ब्लैक उठा लेंगे। सही है, प्राइस भी सही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ऊपर वालों से सस्ता ही है, $58 का। लेट्स सी, डिज़ाइन चेक कर रहे हो, खतरनाक, टू एग्रेसिव भी। ये वाला बैग मेरे को पसंद तो बहुत आया, बट वाई टीज़ की दिक्कत है और वाई टीज़ की लुक है। तो देखते हैं एक और ऑप्शन कहीं और जाके भी, वरना फिर ये फाइनल करते हैं। बड़ा प्यारा लग रहा है बैग, महंगा भी है बट बढ़िया बहुत है यार। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन लग रहा है मेरे को, वाइट से थोड़ा सा बेटर लग रहा है मेरे को, क्योंकि वाइट नहीं यार गंदा भी नहीं होगा। कैसा लग रहा था, सही लग रहा है? आई थिंक मे बी मैं ये चूज़ कर लूँ, एक गेड़ा और एंड देन उसके बाद फिर अब दो और रह जाएंगे फिल्टर करने के। जितनी देर लगा रहा हूँ ना कन्फ्यूजन बढ़ती ही जा रही है कि ये देखो, मतलब है तो ये ब्लैक बट इसका जो प्रिंट है ना मेरे को प्यारा लग रहा है, और ब्लैक है ना ग्रीन भी, इसका स्ट्रैप भी ऑरेंज है, बाकी सबका स्ट्रैप ब्लैक है एंड वाइट। मैं सोच रहा हूँ वाइट ज़्यादा वाइट हो जाएगा यार, ख़राब हो जाएगा और फिर उसकी लुक नहीं रहेगी, और बैग मेरे को चाहिए रफ एंड टफ मे बी। अब ये या फिर वो एडिडास होना, लेट्स सी, मैं फोटोज़ में देख के कंफर्म कर रहा हूँ कौन से वाला चूज़ करूँ। सो लेट्स सी। ओके सो अभी लास्ट चॉइस मेरी ये है, इसके बाद आगे घूमते हैं, अगर और कोई बेटर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर मैं इस पे जा रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक भी है, वाइट भी, ऑरेंज भी है। तो बेसिकली तीन बेस्ट कलर्स जो मेरे को पसंद आ रहे हैं। लेट्स गो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बैग लेना इतना मुश्किल हो सकता है, देख रहे हो और भी हैं यहाँ तो, बहुत बैग हो गए अब तो भाई, क्या करूँ मैं, काश कोई साथ होता अभी। लेट मी सी, बढ़ गई कन्फ्यूजन ब्रो। ये भी सही लग रहा है, फंकी सा है, मेरे को फंकी सही लगा। अब एक और ऑप्शन हो गया भाई, कितने बैग के ऑप्शन है यार दुनिया में, मेरे को नहीं पता था इतने टाइप के बैग भी आते हैं। मेरे को तो ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, वाइट, और मेरे को ग्रीन चाहिए था पूरा 1000 टाइप के बैग दिखे यार। और ये भी सही है यार, इसको भी एक ऑप्शन है, एक और गेड़ा और उसके बाद फिर मे भी फिर लास्ट फाइट नहीं करते हैं। मैं इतनी दुकानों में जा चुका हूँ बैग देखते देखते, मेरे को पता भी नहीं है कौन से वाले पे कौन सा था, अगर मेरे को जाके ढूंढना हुआ ना उसमें भी एक सदियाँ लग जाएंगी, पर इतने में कहीं मोल ही ना बंदा जाए। सो अब देखते हैं बस, अब दोबारा लास्ट टाइम ऊपर जा रहा हूँ, नीचे सारे हो चुके हैं, स्पोर्ट चेक रह गए, मे बी एक स्पोर्ट चेक और एक आधा और गैस पर भी ट्राई कर लेते हैं, देन फाइनल करते हैं। ये वाला बैग मिला है और ये औकात से बाहर है बट दिखने में बहुत प्यारा है यार, वाइट उतना, मेरे को लगता है मेरे को अपने साथ धक्का करना पड़ेगा आज। लेट मी सी, गेस पे और गेड़ा मार के आते हैं, वरना करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत प्यारा है, मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा इसको यार। ये बैग ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, तो मेरे को लगता है इनका प्राइस भी उनसे बेटर होगा और एटलीस्ट फील भी गुच्ची के देंगे।
फाइनल मैंने प्राइस नहीं देखा है पर ये फाइनल या वाइट वाला भाई कन्फ्यूजन फिल्टर होके एक स्टोर पे आके रुकी है कि मैं गेस से ही ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी सही है एंड उसके ऊपर भी कहते हैं 30% डिस्काउंट है सो रेड या मेरे को रेड का कलर बड़ा प्यारा लग रहा है यार पर फिर उसके बाद गुची है गुची चेक करो यार टू कन्फ्यूजिंग यार इतना कन्फ्यूजिंग मेरे को नहीं पता था बैग लेना भी हो सकता है ज़िंदगी में लेट्स सी ओके सो इसका प्राइस है 109 इसका है 135 पहले मेरे को था कि प्राइस भी सेम होगा बट प्राइस डिफरेंट है सो मैं डिसीजन छोड़ रहा हूँ टोस पे हेड्स आया तो ये टेल्स आया तो ये डन तीन बारी ओके सो दो बार हेड्स आया सो लेना ही बनता है बट आप ये लेंगे क्योंकि जब मेरे पास जब वन हेड वन टेल था तब मेरे दिमाग में चल रहा था कि टेल है सो आई वॉन्ट दिस वन ऐसे डिसाइड किया मैंने सो फाइनल डिसीजन ये बैग ले रहे हम और अब आईफोन आया नहीं है बट आईफोन लेके आने के लिए बैग ले लिया सो लेट्स गो पे करते हैं लेट्स गो The total comes to 7 Hey, so finally red bag आ गया है काफी प्यारा है मतलब बड़ा सिंपल सोबर सा क्लासिक है एक आल्डो में और गेड़ा लगाते हैं लास्ट मे बी मैं उसको बोल के अभी मिल द सीट का सीन सो मे बी अगर चेंज भी करना होगा तो है अपने पास एक ऑप्शन ओके सो वी आर डन विद द डे एंड अब हम जा रहे हैं घर घर तो नहीं जा रहे वैसे सबको मिलेंगे पार्टी शार्टी करेंगे आज क्योंकि छुट्टी है छुट्टी की पार्टी तो बनती है और अब कुछ खाते जाते हैं एंड हमने बैग ले लिया है एंड 14 प्रो सून इनफ आएगा स्टे ट्यून्ड फॉर द अनबॉक्सिंग स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू फीचर्स जो जो हैं उसमें आप करेंगे साथ में एक्सप्लोर तो कुछ खाते पीते हैं एंड ओके एंड जो गाड़ी थी उसकी अपडेट देने के लिए मैंने कहा चलो बता दूँ भूल ही गया मैं बताना वो मंडे को आएगी आज पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं पैसा पहुंच चुका है सो आज के लिए न्यू बैग का कांग्रेचुलेशंस चलो सर अंदर एंड फिर चलते हैं मिलते हैं सबसे मंडे को आ जाएगी गाड़ी सो वेट टिल देन एंड तब तक देखते हैं अगर कोई बीच में न्यू व्लॉग्स आए तो सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब सी यू बाय